अब सुनिए मेरी बात, रेस्पिरेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो विद स्पेशल रेफरेंस टू प्लांट्स अगर हम रेस्पिरेशन बताएंगे तो आप देखो फूड मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फूड चु प्रोड्यूस गसन फोटोसिंथेसिस मस इस्तेमाल चु गसन रेस्पिरेशन। अवै छ यम दशवै प्रोसेसेस पुतस पत फोटोसिंथेसिस द रेस्पिरेशन दे कैन गो टुगेदर। पहले आपने आपको मैंने बताया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब वही ग्लूकोज एंटर हो जाएगा माइटोकांड्रिया में और माइटोकांड्रिया में या साइटोप्लाज्म में वहां पर उसको इस्तेमाल करके प्रोड्यूस की जाएगी एनर्जी। क्या प्रोड्यूस की जाएगी? नाउ व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे, इट इज अ लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी, ये लाइफ प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस यथ मज सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स गई तम मटीरियल्स यमो पे एनर्जी प्रोड्यूस गिमन कर ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन। क्या कर ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन? सिंपली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकांड्रिया। वन लेट मी डेफिनेशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ऑफ फूड ऑकरिंग आइदर इन किसमें, साइटोप्लाज्म में या माइटोकांड्रिया में और इन माइटोकांड्रिया, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसमें फूड मटेरियल को ब्रेक किया जाता है, जिसमें फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन होती है ताकि क्या निकल आए, एनर्जी निकल आए। That is called as respiration. वो ये तो अच्छा तारण फिक्री रेस्पिरेशन में जी कसन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो फूड मटेरियल यू सही ऑक्सीडाइज की करन रेस्पिरेशन में तक वन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या चु वन याद थो सो मटेरियल सो फूड मटेरियल यूस अस इस्तेमाल चिन करन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द फूड मटेरियल विच इज यूज्ड विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द फूड मटीरियल वो फूड मटीरियल द फूड मटीरियल विच इज यूज्ड और ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो फूड मटीरियल इस्तेमाल करन तथा से वन दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन रेस्पिरेशन मज हसा चु फूड मटेरियल इवन ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज मतलब गो सु इवन ब्रेक करना। ब्रेक करना पत हसा चु तक रिलीज गसन एनर्जी एंड सही एनर्जी हसा चु इस्तेमाल गसन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम यही कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां से एनर्जी निकल आए और उसी एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि क्या प्रोड्यूस हो जाए, एटीपी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए क्योंकि उसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट फीचर, देयर आर सेवरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स लाइक प्रोटीन्स आर देयर, फैट्स आर देयर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, प्रोटीन्स देयर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में डिप्रेशन, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यह हा आर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। गो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक आर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और वहां से रिलीज करते हैं एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। गो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज एन आर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां के ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound that is used during respiration in order to release energy is called
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। आर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तथा ना वनन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब वो समझ गो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गो आर्गेनिक कंपाउंड। चलो चुन आर्गेनिक कंपाउंड क्या गई, आर्गेनिक कंपाउंड क्या गई, चलो चुन आर्गेनिक कंपाउंड क्या गई, क्या गई मतलब क्या डिफ्यूजन, व्हाट इज द ऑर्गेनिक डिफ्यूजन ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलो चुन चलो चुन The compounds which are composed of carbon, hydrogen and oxygen in such a way that they possess highest concentration of carbon, hydrogen and oxygen are called as organic compounds. So organic compounds are simply compounds of carbon, hydrogen and oxygen in such a way ki timan mein cha abundant concentration aasan carbon ch hydrogen ch ta am bagar ti cha aasan iman mein elements magar carbon, hydrogen to oxygen ch variya zyada aasan iman che asna wana आर्गेनिक कंपाउंड आर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल कर रेस्पिरेशन ताकि रिलीज क्या गए तम पे ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। यूजुअल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स पन्नस फुडस मे थान तम त्रे गो कार्बोहाइड्रेट बे गो प्रोटीन बे गो फैट आर गेटिंग मी, ये आपको दिमाग में रखना है। गो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स दे इनक्लूड तम हा इनक्लूड कर दे इनक्लूड गो कार्बोहाइड्रेट्स fats, fats are also called as lipids and proteins. وۄنۍ چھُ ییٚتھی تھاوُن یاد نیٖٹ آسپیکٹ وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ تھٲیزیو یاد یہِ آو تہِ وٕچھِو سا اگرے ریسپریٹری سبسٹریٹ آسن کاربوہایڈریٹس تہٕ فیٹس کیٛاہ آسن اگر ریسپریٹری سبسٹریٹس آسن کاربوہایڈریٹس تہٕ دَ پراسیس اِز کالڈ ایز فلوٹِنٛگ ریسپریشن کیٛاہ چھِس وَنان فلوٹِنٛگ ریسپریشن گٔے سۄ ریسپریشن یَتھ منٛز ریسپریٹری سبسٹریٹ آسہِ کاربوہایڈریٹ تہٕ فیٹ When the respiratory substrate is carbohydrate and a fat, the respiration is called as floating respiration. But when the respiratory substrate is protein, when the respiratory substrate is protein, remember it always. Time saath chhu tath respiration is now one protoplasmic respiration. That's one. Thobo yaad. Go. Agar carbohydrate is to fat saasyan respiratory substrate. Tell kushu. Float. That's one floating respiration. Agar main protein chhu. Protoplasmic respiration. Go tell me now, yeta. Floating respiration. The respiration in which the respiratory substrates are carbohydrates and fats. That is called as floating respiration. Floating. F-L-O-A-T-I-N-G. Floating respiration. Floating respiration. The process of respiration. It's a sub-process respiration. In which kya kya carbohydrates yath maz carbohydrates to beya lipids matlab fats aisen are respiratory substrates hato it's a sahal point simply yem sath ki respiratory substrate aise carbohydrate to fat is thalo now tat respiration as floating respiration magar अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उस प्रोटीन क्या उस तेल थायक से याद तक प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में जो आसन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर प्रोटीन्स व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर प्रोटीन्स वी कैन कॉल सच ए रेस्पिरेशन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन But when carbohydrates and fats are respiratory substrates, then it is called as floating respiration. Have you got the point? Now, अब आपके पास basic जो organic compounds हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हो cells में energy को capture या produce करने के लिए. अब आप मुझे बोलो इनमें से सबसे ज्यादा energy किससे produce होती है? सबसे ज्यादा energy produce करने वाला कौन है? वही सर. Maximum amount of energy ची release गसन from fats. इतने जब यार. Are you getting me? अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ आई एम फीलिंग दैट आई एम हैंग्री आई एम हैविंग थ्री डाइट्स अवेलेबल मुझे प्रोटीन भी है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट भी है मेरे पास फैट भी है
which substance I should prefer? No. Obviously, तीनों में से एक तो होगा प्रेम हजार सा याद गए स्थावन हाय मेंश तो बुझे वो क्या वन 0.1 पर greater amount of energy is released by this fats but rapid source of energy is proteins rapid source of energy ये आपको दिमाग में रखना है मतलब आपके पास खाना अवेलेबल है आपके पास चॉकलेट भी अवेलेबल है इफ यू आर फीलिंग हंग्री ऑब्वियसली वी विल प्रेफर दिस चॉकलेट बिकॉज दैट कंटेन्स अ प्रोटीन कंटेंट आर यू गेटिंग मी क्योंकि वो आपको एनर्जी कम ही देता है लेकिन वो एनर्जी वो जल्दी देता है और कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता अब एक याद था इवन साइंस से अब वन फारिनर्स असन सत्त तोमुल मान चंदन मे सत्त तोमुल तिमन क्या तिमन प्रोटीनेशियस डाइट बियर ग्रिल्स आपने देखा होगा अब देखो जब वो फील करता है हंग्री वो क्या खाता है वो कीड़े मकोड़ों को खाता है क्यों वो पहले कहता है इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है हमेशा वो आपको सिखा बताना चाहता है कि प्रोटीन इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब यह कमी टाइम से एनर्जी प्रोड्यूस करने खातिर लगन द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी इज नन अदर देन प्रोटीन फैट्स से प्रोड्यूस करन ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी मगर स अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलीज गसन वारियास कालस वारियास हैव गॉट द पॉइंट इथजव या ध्यान थजव गो तेल बनाओ ये क्या proteins are an immediate source of energy rapid source of energy to release gasan from proteins immediate source of energy is protein immediate source of energy is proteins large amount of energy is released by released from fats anji kashir ma sari khot zyada is we are dependent on carbohydrates as ke baat aasun bas baat pad gayi yaar to diabetes obesity hypertension inna lillahi wa inna ilaihi rajiun you know to chuno pai cholesterol level gayi increase ultimately yell control gayi karna ultimately che lastest aas gasan chuno gasan tapan toy wo is kya sa go you go what sort no tapan You go out short. You must go here. You go forward the eye. You can move your chuan. Because we are not. Agar aap dekho ki we are not cautious about our diet. They are completely dependent on only one thing. That is carbohydrate. Are you getting me? Kashir must dry. There are no zui zui cheez never zui. But agar sorry ke dear. Aap go baat me go haak. Yum zui cheez there are nice never. Baat ta haak. Swadhi ka ta. Baat baan. Chasan baria board baan. लेकिन वट इज एक्चुअली द बैलेंस्ड डाइट जो होता है बैलेंस्ड डाइट में कंसंट्रेशन तीन चीजों की सबसे ज्यादा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की भी फैट की भी और प्रोटीन की भी आर यू गेटिंग मी ये आपको दिमाग में रखना है हाइजीनिक फूड प्रोवाइड इवन करना क्या बुझे मैं नाउ रेस्पिरेशन पार्ट कस पार्ट बेगस थाउन याद The respiration which occurs in the cells is commonly called as cellular respiration. What's one? Sir, respiration. Yem saath ya oxidation gaise respiratory substratus. Magar within the cells, within the aches na one cellular respiration. I'm your maximum theme chasan akui to produce ATP. To produce. You see cellular respiration che aches phases. Kos phases. Ago aerobic, bago anaerobic. Ago aerobic, bago anaerobic. Yaad kajao. Ko respiration chu dwan phasean mas complete gasan. मे कुन थायन सारी ध्यान सारी जान मे कुन ध्यान सारी ओर योर वन कह नजर अगर बह स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन निम रेस्पिरेशन ध्यान थो बह क्या वन आई एम गिविंग यू द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो आपको सबसे पहले सीखना है फिर बाद में हम साइकिल्स पे जाएंगे दैट इज समथिंग डिफरेंट देखो अगर हम रेस्पिरेशन को देखेंगे मैं इसको डिवाइड करूंगा तीन सेक्शन में कितने रादर चार सेक्शन में करूंगा चलो मैं दो सेक्शन में तीन सेक्शन में करूंगा देखो पहला है That is glycolysis. ध्यान थाजा. That is glycolysis. Second one is aerobic respiration. Aerobic. It is commonly called as cellular respiration. क्या चीज़ नाम है? Cellular respiration. Cellular respiration. And the third one is that is anaerobic respiration. Anaerobic respiration is commonly called as fermentation. क्या चीज़ नाम है? अच्छा वन ब्याख ना फर्मेंटेशन त्रे फेजेस
मगर ये वन चीज़ा इस तो याद थो ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक पाथवे एज वेल एज टू एनारोबिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस होती है किसमें? एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा, ये आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है पाइरुवेट से, लेकिन पाइरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में। पाइरुवेट इस्तेमाल होता है एरोबिक प्रोसेस में भी और, लेकिन पाइरुवेट को बनाने के लिए जो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। दैट इज व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। हैव गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहला फेज क्या है यहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस। अब सुनो मेरी बात, ग्लाइकोलिसिस मुतलिक वन बो सारे दंदक छे क्या ये आव कैत गन कत पोट गान क्या तो कार नारा तर मे कु थो ध्यान ग्लाइकोलिसिस अगर कशुर इंग्लिश करो इस्तेमाल तेल तर पान फिक्र ग्लाइको मीनस ग्लूकोज लिसिस मीनस ब्रेक डाउन गो सिंपली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज छाव किम न गो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। हे ग्लूकोज सुन ब्रेक गसुन तक वन ग्लाइकोलिसिस। मगर ते अगर थायक याद ब्याह साइंटिफिकली the enzymatic breakdown of glucose into pyruvate is called as glycolysis. Enzyme se glucose molecule break karun kathu mas pyruvate as mas tuch ches na vanan glycolysis. In other words comma the enzymatic breakdown of glucose into pyruvate ya pyruvic acid acha mana byakna pyruvate is called glycolysis. Simply hey glucose molecule karihun break banoyun pyruvate magar o break karne khatra gasan istemal enzymes south ho yaad acha varan glycolysis. Second point, glycolysis occurs in cytoplasm and does not require oxygen. Remember it always, glycolysis kachi gasan साइटोप्लाज्मस में क्या जरूरत लगान गो तम मतलब अगर नहीं ऑक्सीजन अमे खुद जरूरत यह गरबिकस मे एनारोबिकस मे गो कि याद थो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्मस मज लगान जरूरत ना ऑक्सीजन, इसीलिए कत साइटोप्लाज्मस मे एंड आप देखो यहाँ पे आप एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हो, एंजाइम्स को किस पे इस्तेमाल करते हो? ग्लूकोज पे। बनता क्या है? पाइरुवेट। लेकिन ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और इसमें आप ऑक्सीजन को रिक्वायर नहीं करते हो। अगर होगा भी प्रेजेंट कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी होगा कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इट इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज। हैव गॉट द पॉइंट? तो वो फिक्र वो दिस प्रोसेस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक प्रोसेस एज वेल एज टू एनारोबिक प्रोसेस। हमेशा थोजो याद ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, हेनस कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होती है और ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया मज ती गसन अस ती गसन। बैक्टीरिया अगर एनारोबिक छ तोच ग्लाइकोलिसिस गसन, अस अगर एरोबिक छ तोच ग्लाइकोलिसिस गसन। अगर नहीं यात अगर यात ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आसे तेल गसे सिर्फ एरोबिकस मस, अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मस यात आसे गसन तेल आसे ये एनारोबिक प्रोसेस ऑर्गेनिज्म मस गसन, मगर अथ मस छ ऑक्सीजन लगन जरूरत किए। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, इट ऑकर्स इन किसमें होती है? साइटोप्लाज्म। द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज नई किताब लेखन साइटोसॉल, क्या लेखन साइटोसॉल, ये करेक्ट। त्रेम का द मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा कॉमनली ना वन ईएमपी पाथवे, क्या वन नाव ईएमपी पाथवे, इसको कॉमनली कहा जाता है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, हे अत पे नाव ईएमपी पाथवे इसलिए तिकाजी कोर साइट त्रेव साइंटिस्टो डिस्कवर, एकिस ओस नाव एम्बिडन
ایمبڈن بیس اس نام میراف میراف گو میں ماستر بوائے چوچت بسان میراف اینڈ بیا گو پارنس پارنس یاد تھو اوے پی وقت ناو ایم پی پافی ای ایمبڈن ایم میراف پی پارنس توے چس ونان ای ایم پی پافی تو وہ فکر It is commonly called as EMP pathway because it was discovered by three scientists. One is now Embiden, based on now Mirath, based on now Parnas. Magar, Dhyan Chutawan, discovery karna bho, yel discovery go. Glycolysis cycle out discover karna, time saath is easy jinda. Embiden te, Mirath, Parnas asos time bho to hi gomut yinna lillahi wa inna lillahi rajuhan. Isi liye yao Nobel Prize iman doan provide karna. Because Nobel Prize is not awarded posthumously. Jab koi discovery karta hai, तो डिस्कवरी करने के बाद अगर वो मर जाता है तो उसको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है यह सो अवार्ड इस मरत दिन कह अगर दपन साइंटिफिक रिसर्च दपन अगर नोबेल प्राइज आसे दिन दुनिया में तेल उस एकस दिन सोस दिन ग्रेगर जॉन मेंडलस आर यू गेटिंग मी तमें बगैर उस तेल कहीं करन एक्सेप्ट तिकाज मेंडलन यस ती काम करमस छ सो अन नोटिस्ड टू द वर्ल्ड एंड पताई तम सिंग मरन पत चजी वूर साइंटिस्ट ते आखाव जर्मनी पे जापान ते इटली पे ترے سائنٹسٹ آئے تمو کور برابر تی پبلش مینڈلن اس ژتجی وری بروٹ تھومت ون اینڈ دوم موسٹ امپارٹنٹ کات مینڈل چھ واحد سہ سائنٹسٹ یم بایالجی مز کور میتھ استعمال بایالجی میں اس نے میتھمیٹکس کا استعمال کیا اسی لیے آپ نے کوئی ٹینتھ میں پڑھا ہوگا فینوٹائپک ریشو جینوٹائپک ریشو پڑھا ہے تو وہ میتھمیٹکس اپلائی کیا تھا بیکاز ہی واز ایکچولی میتھمیٹیشین مگر تمس تہ آو نمس ون فادر آف جینٹکس مگر تمہ آؤ نوبل پرائز پرووائڈ کرنا اتھے پہ یہ مودمت تمہ دہ اس لیے آؤ ان دن دن وی کیا ون گلائکولیسس یاد تاؤن وچ گلائکولیسس کیا ون ات مجھ بریک کر مے گلوکوز چھو کر مگر گلوکوز بریک کرنے خاطر مے گھن استعمال کمو انزائمس لانگ پیج کر استعمال سیدھی سٹریٹ پیج سٹریٹ سوری کیا ون بہ سوری کیا ریئکشن یاد تاؤن یم آلموسٹ ریئکشنز ہاتھ کھنڈ آسن یاد تم گھن پانے یاد زبان یاد روزان بوجھو وچو یہ گو گلوکوز کیا گو گلوکوز گلوکوزس گھن فاسفورائلیشن کیا گھن فاسفورائلیشن کیا گئی ون فاسفورائلیشن کیا گئی ون سک ٹارگیٹ بوڑ ٹارگیٹ ادھر ون ون سو فاسفورائلیشن کیا گئی ون ون ہو ون فاسفورائلیشن کیا گئی Remember it always. Phosphorylation is a process in which the phosphate is added. The process that involves the addition of phosphate is called as phosphorylation. ये वो process है जिसमें phosphate को add किया जाता है. That's called phosphorylation. मैं था ना सारी मैं कौन दिया? Glucose का phosphorylation. क्या हो गया फास्फोराइलेशन चलो मे कर्स फास्फोर मतलब मे कंज्यूम ए टी पी यह गवर्ट इन टू ए डी पी प्लस इनआर्गेनिक फास्फेट इनआर्गेनिक फास्फेट द्रा ना यो गड कमिस मगर लगे जरूरत अमे खुद एनजाइम तमिस हेक्सोकाइनेस अड़ो नीटु पॉइंटो हेक्सोकाइनेस कुछ सात वन हे ग्लूकोजस कित पा फास्फोराइलेशन तमें खुस एनजाइम इस्तेमाल دیٹ از کالڈ ہیگزوکائنیز دوم کت ات سی ہیگزوکائنیز ایکٹیویٹ کرنے خاطر کیا لگان ضرورت ہتو ایم جی ٹو پازٹو آیا بس مکلی کت تروا فکر گلوکوز رلان یمس فاسفیٹ گروپس ست یہ فاسفیٹ گروپ کس مے دیوان اے ٹی پی رلیو یمس ست گلوکوز گلوکوز نو ہیگزو شوگر چھناو سی سی کس ایچ ٹو او سکس شیمس کاربنس کن چھ اٹیچ گسان بنائے کیا یہ گلوکوز سکس فاسفیٹ بنائے نو پی او فور کیا گو گئی نو فاسفورائلیشن گئی سو کن گیو امہ پہ امس پہ اینزائم اک ایکٹ کران تمس ونان ناو آئسومیریس کیا ونان ناو آئسومیریس چھ کران پروڈیوس آئسومورس آئسومورس گئی نو سبسٹنس سپیشیز وچ آر ہیونگ سیم آئسومورن کیا آسان آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سٹیریو آئسومورس
उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफरेंट होती है। उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसी को कहते हैं। मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेटस तो कैसे आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन करने खातिर गैस एमिस पेट एक्ट ऑफ एंजाइम तेमिस वन आइसोमेरेस क्या हो जसन आइसोमेरेस तलो बन क्या तलो ग्लूकोज सुन आइसोमर कुछ बे बात मत नाउ फैक्टर 6 फास्फेट दशवा यार मानो से कराए तो ग्लूकोज गैस कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज, फ्रक्टोज गैस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज दशवा से तो मुझे फिर से कंज्यूम क्या करना है एटीपी, वो क्या मुझे देगा एडीपी और क्या देगा यही इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो जाएगा तो बन जाता है फ्रक्टोज। आप देखो रिएक्शन को फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट तो इशू सहाल खंडो खंड खंड ग्लूकोस गए फास्फोराइलेशन ग्लूकोज 6 फास्फेट तमिस गए आइसोमेराइजेशन फ्रक्टोज 6 फास्फेट तमिस गए बेई फास्फोराइलेशन फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट ये क्या था ना जो फर्स्ट कार्बन एंड 6th कार्बन एंड ये दितो छ फास्फेट ग्रुप सो गो ये मिस दे ऐड कारण खतर यूज रिस्पांसिबल छ तमिस वना फास्फो फ्रक्टोकाइनेस क्या छ वनन फास्फो यू नो ये लिखियो हेक्सोकाइनेस थे फास्फो आल्डोलेस गोसेस मुदसर सबन पढ़ आल्डोल कंडेंसेशन क्या गुन ना अच्छा चलो आल्डो आल्डोलेस कर एक्ट आल्डोलेस गो फ्रक्टोस 1,6 डाइफास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड तलो यु थो ध्यान तलो यु थो ध्यान ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 कार्बन फ्रक्टोस 6 फास्फेट फ्रक्टोस 6 फास्फेट तमें कार्बन मे चेंज क्या माउ फ्रक्टोस 1,6 डाइफास्फेट 6 कार्बन यह गए ब्रेक दोन कंपाउंडन मन तुम मज क्या क्या कार्बन ब्रेक गए फ्रक्टोस 1,6 फास्फेट दोन कंपाउंडन मज या तो गए 3-3 ना गए 2-4 ना गए 4-2 क्या बात यह मैं वो वन एक कार्बन का जो होगा नहीं होगा वो कैसे बन सकता है इफ यू आर हैविंग ए सबस्टेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ वन कार्बन तो इस मान लो कंपाउंड सा दपन आवा हो मैं तो बाबा हतो एमियो तो भी आवा याद जो हाबो बिद बिद भूत खलम पानन चलो पूछता मैं को निकुना तो निकुना थे ध्यान फ्रक्टोस 1,6 डाइफास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड एमिस गैस आल्डोलेस कर एक्ट एंड गैस ब्रेक दोन कंपाउंडन मज दशवनी कंपाउंडन मज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट मींस त्रे क्या हो क्या हो वो क्या क्या बना तलो बुझ दो मैं मेहरबानी कर बने डायड्रॉक्सी एस्टोन फास्फेट डाई हाइड्रॉक्सी एसिटोन फास्फेट PO4 बे बन ग्लाइसरल डाइड 3 फास्फेट ग्लाइसरल डाइड 3 फास्फेट ग्लाइसरल डाइड 3 फास्फेट मे कूत टाइम गो क्रास मतलब गाड़ी वो सोमत भरी मतलब भूखे मिस मान अच्छा चलो ग्लाइसरल डाइड देखो ग्लाइसरल डाइड 3 फास्फेट क्या हो ग
Can I see the head? Bujhta vai mekhun. Tala mekhun bujhta. Three carbon compound. Three carbon. Tetra kas gayi. You kya bani ho? Have got the point? Har kan chuna sha carbon. Yemis mas tetra carbon. Yemis mas tetra. Tala pekh kan bujhu kas phosphate group ak tu z. Yemis mas ak phosphate group. Yemis mas ak. Aayo dashme phosphate group. Balance gayo reaction panai. Gayo kin nu. Tala bujhta vai. Glycerol diet three phosphate yothai banan chu. ये ग्लाइसरल डाइट थ्री फास्फेट चु कन्वर्ट गसन इनटू 1,3 डाइफॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड क्या 1,3 डाइफॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड ध्यान थजो ओ युकनी थेबु ध्यान पुछबो ग्लाइसरल डाइट थ्री फास्फेट ये डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट गस बे कन्वर्ट कमिस मास कच मॉलिक्यूल्स आइटेल एमसिन ज अगोस पनु ना बे गस ये एथ मास कच आइ ज मॉलिक्यूल्स येल बुमोट कुन पाइक रिएक्शन सकसन कसन मॉलिक्यूल अनुस बाइन गंदन मॉलिक्यूल ओतां छि सिर्फ अकक मॉलिक्यूल एम बोन कुन कस कस पाकन जमाल तला पूछता मैं कुन ग्लाइसरल डाइट थ्री फास्फेट ये गैस कन्वर्ट इनटू आगो पान बेगोस योर 1,3 डाई फास्फो ग्लाइसरिक एसिड 1,3 डाई फास्फो ग्लाइसरिक एसिड कस मॉलिक्यूल्स मगर ये ले ग्लाइसरल डाइट थ्री फास्फेट जो यात्मस कन्वर्ट गसन एम साथ जो एनएडी पॉजिटिव कन्वर्ट गसन इनटू एनएडीएच2 क्या चुका सन एनएडी पॉजिटिव चु कन्वर्ट गसन इनटू एनएडीएच2 तलाव तो युवश तो पाना है अगर आईकी पेट प्रोड्यूस गैस आख दोयो पेट कचू गैसन हो दीवन आजर हो चाइल्ड हो डाइड्रॉक्सी एस्टोन थ्री फास्फेट चु रिवर्सिबली बे वापस केमिस में कन्वर्ट गसन ग्लाइसरल डाइट थ्री फास्फेट ऑलरेडी चु ग्लाइसरल डाइट थ्री फास्फेट सुंद आख मॉलिक्यूल यल वो योर आ ब्या गयने ज गयो अगर एक पेट बने आख एनएडीएच2 दो यो पेट कस बने देन बने न किन ठीक है सिमचन ज निम कस छ योर गोस आ बेगोस पानो ना गय ज को यम ति छ ज जारब दिस यम बने ज बुछो माय तला मे वई तो पाने वई अगर 1,3 डाइफॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड तो यो लिख जो बोन कुन बाहो इत पर 1,3 डाइफॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड गसे कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड का मस थ्री फास्फो देना सर थ्री फास्फो ग्लाइसरिक एसिड पीजीए को फास्फो ग्लाइसरिक एसिड पंचुन लिया अपनी जरूरत कैसे चार लड़ी ये तक लिखे थ्री फास्फो ग्लाइसरिक एसिड ये मिसमस कस फास्फेट ग्रुप ज किस कार्बन स्पेक्ट ये मिसमस कस आकुई आग द्राव ने नेबर यूस आग द्राव नेबर सुरेल ना एडीपी से बाइन क्या एडीपी कुछ रिएक्शन एडीपी राइले इनऑर्गेनिक फास्फेट आज क्या बाइन इनऑर्गेनिक फास्फेट द्रावण ये मज नेबर द्रावो होय छु याद थाव गो 1,3 डाइफॉस्फो चूंकि आइक पेट गस प्रोड्यूस आख दयो पेट कस गसन प्रोड्यूस ड्रीम्स का मे क्लास ड्रीम ड्रीम्स का एक से एक प्रोड्यूस होगा दो से कितने होंगे दो गो 3 फास्फो ग्लाइसरिक एसिड नाउ 3 फास्फो ग्लाइसरिक एसिड जो बन गया यहां पे अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फास्फोइनोल पाइरुवेट किसमें फास्फोइनोल पाइरुवेट पीपी फास्फोइनोल पाइरुवेट एंड एंजाइम जो इस्तेमाल होगा दैट्स कॉल्ड इनोलेस इनो कस मॉलिक्यूल्स बनन ज यम कस बनन ज थाजी याद फास्फेट ग्रुप जो यमस मस्त आ यमस मस्त के शनो फास्फोइनोल पाइरुवेट गो फास्फेट चो आ होत चो आ बैलेंस करनो छ जरूरत के फास्फोइनोल पाइरुवेट गस कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट कथो मस पाइरुवेट तला मे कुन दीता नजर मेहरबानी करे कथो मस पाइरुवेटस मस यम कस छ आइक पेट बनो आ दोयो पेट कस गई वो ज मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट यत मन छनो फास्फेट ग्रुप सुरलनो एडीपी एस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या बन एटीपी हैव गॉट द पॉइंट थोतो यार तला दि नजर असल पॉइंट से क्या हो दिसा सेलिमस बनियो वो क्या हो पाइरुवेट कस मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोस ज आर यू गेटिंग मी अमसने एनर्जी छ रिलीज गसन किया एनर्जी गयो रिलीज किया कुचा एनर्जी तला मैं बताओ जल्दी एनर्जी रिलीज कुचा गई तलो जल्दी बताओ तलो दीता नजर हो ग्लाइकोलिसिस साइकलस में छ यूटिलाइजेशन कुचा यूजेज ऑफ एटीपी कुचा छ कचो मैं वो यूजेज कुचा छ आख आख ताकस गई ज गो ज एटीपी गई इस्तेमाल कस गई इस्तेमाल तला प्रोड्यूस पुछो प्रोड्यूसड गई गई ज
वेरी गुड एन ए डी एच टू गई एन ए डी एच टू पे कचो ए टी पी बन त्रे ए टी पी ओत वो दुव एन ए डी एच टू पे कस ग सिक्स सिक्स ए टी पी टोटल ए टी पी प्रोड्यूसड कस टोटल बन सिक्स प्लस फोर टेन नेट प्रोडक्शन कच वेरी गुड नेट प्रोडक्शन गई टेन माइनस टू दैट इज इक्वल टू एट ए टी पी सहल क्वेश्चन इस्तेमाल कर ग्लूकोज ए टी पी प्रोड्यूस गई डायरेक्टली कौर एन ए डी एच टू गई जक एन ए डी एच टू पे प्रोड्यूस ग त्रे ए टी पी दो पे कस ग तो हम कस गए चोर शोर कस गई इस्तेमाल कस गई दह माइनस जो कस गई गो टोटल ग्लूकोज मालिक्यूल इस्तेमाल कर प्रोड्यूस ग ए टी पी मगर बे क्या इस्तेमाल प्रोड्यूस ग वन बे क्या प्रोड्यूस ग पायर वेट कच मालिक्यूल गो बनान ओट ए टी पी I've got the point. This is all about glycolysis. यही glycolysis है. आप समझ में आ गया?